अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रस मलाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है 1 लीटर दूध, ये भैंस का दूध है। तो इसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा देर चला देंगे ताकि मीडियम उस पर आ जाए। उसके बाद इसको हम विनेगर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको चलाएंगे। 1 चम्मच अभी मैंने ऐड किया इसमें, और उसके बाद इसमें 1 चम्मच और ऐड करेंगे और इसको फिर से चलाएंगे। तो अभी देखिए हमने इसको थोड़ा देर के लिए रख दिया था, अभी ये अच्छे से फट गया है। इसका पनीर अलग और पानी अलग हो गया। इसको हम छान लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक बाउल ले लिया, उस पर छन्नी रख दी और एक कपड़ा रख के उसमें हम इसका पानी निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको छान लिया है, और उसके बाद हम थोड़ा से पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको धो लेंगे ताकि इसमें विनेगर का कुछ खट्टापन अगर हो तो निकल जाए। तो इसे अच्छे से धो देंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे। इस तरह से इसको दबा दबा के निकाल देना है सारा पानी। तो ये देखिए हमने पानी निकाल दिया। अब इसको हमने एक इस तरह से एक प्लेट में हमने रख दिया है, और इसको इस तरह से थोड़ा से मसल लेंगे और इसको रख देंगे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने। तब तक हम इसकी रबड़ी बना देते हैं। तो हमने ये एक दूसरी कढ़ाई में हमने 1 लीटर दूध डाल दिया था, और इसको रख देंगे पकने के लिए। तो इसमें बॉयल आने शुरू हो गया है, तो इसको चलाएंगे अच्छे से। और इसमें हमने थोड़ा केसर डाल दिया है, इससे कलर अच्छा आएगा। और अगर कलर कम आए तो इसमें 1 पिंच हम येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, आपके पास है डालें वरना नहीं डालें। और इसमें 3 चम्मच शक्कर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमने कलर थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि कलर कम लग रहा था। तो अभी इसका कलर अच्छा आ गया है। इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको चलाएंगे। इसको पकाना है अच्छे से ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो इसको मीडियम आंच पे हम 2 मिनट और पका लेते हैं। तो हमारा रबड़ी तैयार हो गई। अब हम अपना छेना बनाते हैं। इसके लिए हमने जो पनीर निकाला था वो ठंडा हो गया। अब इसको अच्छे से हम हाथों से इस तरह से मसल मसल के इसको अच्छे से आनेंगे। उसके बाद इसमें हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लेयर ऐड किया है, और उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हाथों से इसको मैश करना है इस तरह से, और इसको अच्छे से सानना है ताकि एक एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार हो सके। तो ये देखिए हमने इसको सान के अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने करीब 3 से 4 कप पानी डाल दिया है, और उसमें 1 कप शक्कर ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे शक्कर गलने के लिए। तो जब तक शक्कर हमारा घुलता है तब तक हम अपना छेना बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक लोई ली है, और इसको गोल गोल करके हल्के हाथों से इस तरह से दबा देना है। तो ये देखिए कोई क्रैक नहीं आया है। तो हमने इसी तरह से सारे छेने तैयार कर लिए हैं। अब पानी में बॉईल आने लगा है। अब एक एक करके हम इसमें अपना छेना डाल देंगे और तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि पानी में बॉईल आता रहे। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है, और इसको 3 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। उसके बाद इसे हम पलट देंगे दूसरी साइड। तो इसको एक साइड पक गया है, अब दूसरी साइड भी पका लिए हैं। आधा घंटा हमने इसको पकाया पलट पलट के दोनों साइड। तो छेना हमारा देखिए बनके तैयार हो गया। अब इसको हम एक बॉल में डाल देते हैं, और उसके ऊपर से जो हमने रबड़ी बनाई थी वो डाल देंगे, और इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये देखिए हमने डाल के इसको रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, और हमारा
रसमलाई इतना परफेक्ट तैयार हो गया है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे रख दीजिए फ्रिज में ठंडा होने और आराम से खाइए। हमारी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।